अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जुफ़ास किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन मैक्रोनीस। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और 1 कप चिकन इसमें ऐड करेंगे। इसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक पिंच सॉल्ट डालेंगे। दो मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप प्याज डालेंगे। अब इसमें एक बड़े साइज का टमाटर जाएगा। वन टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। वन टीस्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी। वन टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। तीन मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें 1 कप बंद गोभी डालेंगे। 1 कप इसमें शिमला जाएगी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। टू टेबल स्पून इसमें चिली सॉस जाएगी। टू टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगी। इसको भी 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने 3 कप बॉइल्ड मैक्रोनीस लिए हैं। अब हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप मेरी रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून इसमें नमक। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। हमारी मैक्रोनीस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लुक है इसकी, और बहुत ही मज़े की बनती है। हमारी मैक्रोनीस रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।